हेलो एवरीवन, मैं दिव्या, हिंदी अध्यापिका फ्रॉम BRGS। जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आजकल हम सभी घर पर ही हैं और ऑनलाइन टीचिंग का कर काम कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है, आशा करती हूँ कि आप सभी भी घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, तो आज हम विषय करते हैं हिंदी व्याकरण का विषय प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम करेंगे प्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ होता है प्रति प्लस अय, अर्थात शब्दों के अंत में लगाए गए शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे जैसे घट प्लस इया आपका बनेगा घटिया। अब इया प्रत्यय है, मूल शब्द हमारा घट है, ये हमारा शब्द बन गया घटिया। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, एक कृत प्रत्यय, दूसरा तद्वित प्रत्यय। कृत और तद्वित के अंदर बाद में तत्सम, तद्भव और विदेशी के अकॉर्डिंग आगे उपभेद होते हैं, ऐसे ही तद्वित के अंदर भी। कृत को एक नाम और भी बोलते हैं, कृदंत, और तद्वित प्रत्यय को बोलते हैं तद्वितांत। कृत प्रत्यय को की परिभाषा, जो धातुओं के अंत में जुड़कर एक नए शब्द की रचना करे, धातुओं के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाए, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अब आपका शब्द होता है लिखावट, इनको हम संधि विच्छेद के अनुसार करते हैं। संधि विच्छेद में लिख प्लस आवट, लिखावट। अब जो ये आवट है, ये हमारा है प्रत्यय, वो भी कौन सा, कृत प्रत्यय। उसके बाद है लुटेरा। अब लुटेरा जब हम बोलते हैं तो इसकी मात्रा से ही स्पष्ट है कि इसमें बड़े ऊ की मात्रा आती है। इसका जब हम विच्छेद करेंगे और प्रत्यय अलग निकालेंगे तो हमारा बनता है लुट प्लस एरा, लुटेरा। कृत प्रत्यय को पहचान के लिए, कृत प्रत्यय की पहचान के लिए हम किसी भी धातु में ना लगाकर देख सकते हैं। जैसे खा एक धातु है, पी एक धातु है, चल एक धातु है, पठ एक धातु है। अब इनके साथ अगर हम ना लगाते हैं तो बनता है खाना, पीना, चलना, पढ़ना। जब ये सभी ना लगाने से एक क्रिया बन रहे हैं तो जो शब्द एक क्रिया का रूप ले वो हमारे कहलाते हैं कृत प्रत्यय। इसके अन्य उदाहरण अब देखिए, जैसे हमने यहाँ किया था। अब ये जरूरी नहीं है कि आवट, एरा, आव ये सब लगकर सिर्फ कृत प्रत्यय ही बने, तद्वित प्रत्यय भी हमारा बन सकता है, लेकिन उसके अंदर कंडीशन है कि अगर आप धातु के साथ ना शब्द लगाते हैं या ना शब्द लगाने से वो क्रिया रूप बन रहा है तो ही हमारा वो कृत प्रत्यय होता है। तद्वित प्रत्यय, तद्वित प्रत्यय होता है जो प्रत्यय संख्या, सर्वनाम तथा विशेषण आदि के अंत में लगकर नए शब्द बनाए,
नए शब्द बनाए तद्वित प्रत्यय कहलाते हैं। अब इसका उदाहरण जैसे सुंदर, सुंदर में अगर ता लगा दोगे आप तो क्या बनेगा वो? सुंदरता। इसी तरह से नमक, धन ईन, आपका शब्द बना नमकीन। सपेरा, सांप प्लस एरा, सपेरा। ठीक है, तो ये हमारे सौंदर्य, इसी का ये उदाहरण है। तो सौंदर्य, सुंदर प्लस ये हमारा बनता है सौंदर्य। अब जो शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगे उन्हें कहते हैं तद्वित प्रत्यय। तद्वित प्रत्यय के अंदर आपके ता, इन, इया, य प्रत्यय अक्सर प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इनका हमने पहचान यही रखनी है कि अगर इनकी धातु के साथ, धातु नहीं है सॉरी, ये मूल शब्द है, मूल शब्द के साथ में अगर हम ना लगाते हैं तो ये शब्द क्रिया रूप नहीं लेते हैं। जबकि कृत प्रत्यय के अंदर आप धातु में ना शब्द लगाते हो तो आपकी वो क्रिया रूप लेता है। इसी तरह से अन्य शब्द है पूजनीय, नमनीय, दर्शनीय। अब कई विद्यार्थी क्या करते हैं, दर्शनीय, दर्शनीय हमारा बनता है दृश्य, ये बनता है दृश्य धन अनीय, परंतु कई विद्यार्थी इसे बोलते हैं दृश्य, दिस इज नॉट दृश्य, इट्स अ दृश्य, इसे हम कहेंगे दृश्य, दृश्य जमा में अनीय दर्शनीय। इसी तरह से पूजनीय का पूजा जमा अनीय, यह आपके अनीय के जो मुख्य तौर पर प्रयोग किया जाता है उनके उदाहरण, नमनीय, नमन जमा अनीय। इसी तरह से जब हम, ये तो थे प्रकृति के आधार पर प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद कृत और तद्वित, इनके स्रोत के आधार पर भी तीन भेद होते हैं, वो भेद हमारे होते हैं तत्सम, तद्भव तथा आगत, जो होते हैं स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के भेद इसी प्रकार से विशेषण, विशेष्य से और भी कई तरह के शब्द आपके निकलते हैं, जैसे कि एक एक मैं उदाहरण सभी का आपको देना चाहूंगी। आपका विशेषण के आधार पर दूध, उसके बाद उसमें आपने जोड़ना है आरु या रु, तो आपका बनता है वो दुधारु। इसके उपरांत आप एक भावबोधक शब्द भी बना सकते हैं, जैसे मीठा प्लस आस, आपका शब्द बना मीठास। और अगर हम उसको वचन के आधार पर बनाना चाहें तो आपका बनता है जैसे सड़क ए, तो आपका बनेगा सड़कें। और अगर हम लिंग के आधार पर बनाना चाहें तो वो बनता है लेखक धन इका लेखिका। तो ये विद्यार्थियों हमारा विषय कंप्लीट हुआ प्रत्यय। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया आज।